Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to grade 5. I'm your science teacher Shama Samir. Today we will start the first chapter of this book. Now open your science books. The first chapter is classification of animal, page number 1. Okay ji, main aapko isme summary bata dun, theek hai, ki is chapter mein hum kya kya padhenge. Learning outcomes ki taraf aap log dekhen. क्लासिफिकेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है. क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है. जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, हर एक किंगडम को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. और हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वर्म्स और इंसेक्ट्स की. ओके जी, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. Every living thing in the world can be divided into three groups. Some are living now, others were once alive, and some were never alive. Dividing them into groups help to understand how all the different things in the world fit into a pattern. अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन का मतलब समझा दूँ, ठीक है. क्लासिफिकेशन मीन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर, ठीक है. डिफरेंट हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो कि एक दूसरे से रिजम्बल करते हो, एक सिमिलर हो एक दूसरे के, ठीक है. उनको हम एक कैटेगरी में लेकर आते हैं. जैसे अगर आप देख लें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर मैं आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मिक्स करके दे दूं और आपसे मैं कहूं कि इनके ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, लिविंग ग्रुप अलग बनाएं, नॉन लिविंग ग्रुप अलग बनाएं, तो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप देखें, फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है, थीके? तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर उन्हें एक अलग ग्रुप में रखेंगे, जबकि नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेते, उनको आप एक अलग ग्रुप में रखेंगे, ठीक है. ओके जी, साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट. वो साइंटिस्ट जो कि लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं. दे आर एन एस्टिमेट टोटल ऑफ 8.7 मिलियन टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ठीक है. बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. मैंने आपको पहले भी कहा कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस में हम जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं. ओके जी, साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स. देयर आर 5 किंगडम्स, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ईच किंगडम इज अ ह्यूज ग्रुप. इट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग विच हैव पर्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन सो दैट दे कैन बी स्टडीड मोर इजीली, ठीक है. क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उसमें हमें चीज़ें जो है वो आसानी से हम उनके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. पर हम दो जो मेजर ग्रुप्स है प्लांट्स और एनिमल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि देयर आर मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 3,50,000 काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है. ओके जी, लिविंग थिंग्स को यहाँ पर इन्होंने क्लासिफाई किया है मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है. इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. मेड अप ऑफ मेनी सेल, इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ठीक है. फिर कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ में न्यूक्लियस होते हैं, कुछ में न्यूक्लियस नहीं होते, ठीक है. मेनी सेल्स ऑर्गेनिज्म्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है. अब जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होते हैं उनकी भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है कि जिन ऑर्गेनिज्म्स में क्लोरोफिल होता है वो खुद अपना फूड बना सकते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना फूड नहीं बनाते, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं. आई वॉन्डर, देखें वाई डू बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग, के बायोलॉजिस्ट जो है वो चीज़ों को क्लासीफाई क्यों करते हैं. इस वजह से ताकि उन्हें आसानी से उन चीज़ों के करेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल सके, ठीक है, कि उनकी सर्वाइवल कैसी है, वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे मूव करते हैं. क्लासिफिकेशन जो है वो हर एक चीज़ को, हर एक स्टडी को सिंपल बना देता है साइंटिस्ट के लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है. जब साइंटिस्ट उन चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं तो हम इजीली उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा. ओके जी स्टूडेंट्स, अभी हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा कि साइंटिस्ट जो है वो जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो सेम होते हैं उनको एक किंगडम में क्लासिफाई करते हैं, और फिर वही किंगडम्स जो है वो डिफरेंट और ग्रुप्स में
क्लासिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब एनिमल किंगडम्स के बारे में अगर हम पढ़ें, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब किंगडम एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जो विदाउट बैकबोन होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में मोस्टली जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स में आप अगर देख ले एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इस डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें एनिमल किंगडम्स जो है वो एक एनिमल किंगडम, उसे फिर फर्दर क्लासिफाई किया है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स तमाम वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। अब स्टारफिश देख ले, स्टारफिश की बैकबोन नहीं होती, वर्म्स की बैकबोन नहीं होती, क्रेब्स की भी नहीं होती, इंसेक्ट्स की भी नहीं होती, ऑक्टोपस की भी नहीं होती। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सब की बैकबोन होती है, फिशेस, रिप्टाइल्स। ठीक है, रिप्टाइल्स वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो के वाटर में रहते हैं, ठीक है, साथ साथ ये ज़मीन पे भी रहते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, बर्ड्स, मैमल्स। ओके जी, सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल विच हैव नो बैकबोन। ऑलमोस्ट 97% ऑफ द एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। सम ऑफ देम हैव द शेल और टफ स्किन ऑन द आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एज इट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल वॉस, फ्लाई, स्पाइडर एंड स्नेल। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आपको कहा है कि ये तमाम एनिमल्स जो होते हैं इनकी बैकबोन नहीं होती। 97% अर्थ सरफेस पे इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके ऊपर, बहुत सारे इनमें ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शेल्स होते हैं या जिनके ऊपर टफ स्किन होती है, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके जी, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि या तो इनके ऊपर शेल्स होते हैं या इनके ऊपर टफ स्किन होती है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिलिकेट होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में आपको जो है वो वास्प, फ्लाई, स्पाइडर, स्नेल, स्टारफिश, अर्थवॉर्म, ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। अच्छा जी, ये आपका टास्क है। ठीक है, इसकी तरफ आप देखें, व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम्स। ठीक है, एनिमल किंगडम्स में जो टू क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, आप लोगों ने इसके नेम लिखने हैं और लिस्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। और अभी हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में मेन डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों ने अपनी रफ नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है,